Assalamu alaikum guys, my name is Ramsha Naeem and I'm in my final year of MLT which is Medical Lab Technology जो कि हमारे AHS के अंदर आता है in RMC. बहुत लोगों को नहीं पता कि RMU जो है, जो कि रावल पिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें MBBS के अलावा एक और चीज़ भी है बट होती है, इट्स कॉल्ड अलाइड हेल्थ साइंसेज. और इसके अंदर हमारे पास ना 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. सबसे पहले देयर इज़ DPD, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी. उसके बाद हमारे पास ऑप्टोमेट्री होती है, वो जो आँखों वाला सारा सीन होता है. उसके बाद हमारे पास MIT होती है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आप अल्ट्रासाउंड एक्सरेज वाला सीन करते हो. उसके बाद होती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि मैं कर रही हूँ. और उसके अंदर जितने भी आप लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हो ना, CP हो गई, यूरिन टेस्ट हो गया, जितने भी ब्लड रिलेटेड टेस्ट होते हैं, ये सब हम लोग करते हैं उसमें, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है 5th नंबर पर होता है ऑर्थोटिक्स होता है. ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स होता है, तो इसका नाम है पूरे डिपार्टमेंट का. और इसमें ना लाइक वो जो आप बोन्स रिपेयर बनाते हो ना, जो अगर किसी की बोन्स वगैरह टूट जाती हैं या किसी का पाँव वगैरह ज़ाया हो जाता है, तो उसके जो ये वो लोग होते हैं जो वो उनके पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है. और ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर. अब इसका एडमिशन का तरीका इसमें कुछ नहीं होता, यू डोंट हैव टू गिव एन MCAT, आपको कोई MCAT नहीं होता. आपका जो एडमिशन होता है ना, वो किसकी बेसिस पे होता है, आपके FSC के मार्क्स के बेसिस पे होता है. अब पिछले साल जैसे कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि कोविड की वजह से इतने ज़्यादा नंबर मिल गए थे, तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था. लेकिन अब क्योंकि नॉर्मलाइज हो जाएगा मेरिट, क्योंकि अब ऐसा सीन नहीं है, बच्चे पेपर्स पढ़ के दे रहे हैं और लाइक सारे पेपर्स हो रहे हैं, तो मेरिट थोड़ा इस बार नॉर्मल हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद क्या होता है, एडमिशन का तरीका यही होता है कि आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उधर से आपने प्रॉस्पेक्टस ख़रीद के आपके ऊपर एक वो बना होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, आपने वो सब चीज़ें उनको दे दी जाके, विद आई थिंक योर अटैच फोटो एंड योर डॉक्यूमेंट्स जो कि वो आपसे मांगते हैं. फिर आप जाके सबमिट कराते हैं, फिर आप वो आपको बताते हैं कि आपको कब तक दोबारा कॉल आ जाएगी, या फिर आपकी कब लिस्ट लग जाएगी. अब लिस्ट का सीन होता है कि आई थिंक 2-3 लिस्ट लगती हैं, तो यू डोंट हैव टू बी यू नो सैड अगर आपको पहली लिस्ट में नाम नहीं आता. और एडमिशन जब खुलेंगे तो आपको उस वापी बता देंगी आपके लाइक इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, और मैं ख़ुद भी बता दूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि आपका अगर MBBS में नहीं होता हम कहाँ जाएं एंड ऑल दैट, ठीक है. अब इसके अलावा जो इसका फ़ी स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरह होता है कि जब हम थे ना, तो मुझे याद है कि मेरा जो था, DPT वालों का हमेशा ज़्यादा होता है, उनका जब हम थे तो इट वॉज़ 1 लाख फॉर, और हम जो थे, हम लोगों का 65,000 था एक साल का, विच वॉज़ पहले साल में 65, बाद में जाके 60 हो गया था, क्योंकि वो फिर एक पहले साल में आपकी कोई एडमिशन फ़ी एक्स्ट्रा होती है, ठीक है. लेकिन उसके बाद हम उन्होंने ज़्यादा कर दिया था. लेकिन ये इसका सीन होता है कि इसका पर सेमेस्टर सिस्टम होता है, हमारा एनुअल सिस्टम होता है. जैसे हम लोगों का जैसे MBBS वालों का सीन होता है ना, वैसे ही हमारा भी होता है, एनुअल सिस्टम होता है. आपके पूरे एक साल की फ़ीस होती है, और पूरे एक साल के बाद आप लोगों के प्रॉफ होते हैं मार्च या फिर फरवरी के महीने में, ठीक है. तो अब मेरे ख्याल से फ़ीस जो थी वो बाकी 4 डिपार्टमेंट्स की वॉज 80,000 समथिंग, और जो DPT वालों की थी ना, वो 1,20,000 थी. और वो हर साल मेरे ख्याल से रिन्यू होता है, या हर 2 साल बाद ये इनका ना चेंज होता रहता है, ठीक है. अब इसके अलावा आपको AHS में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, देखो यार स्कोप जो होता है ना, वो इंसान खुद बनाता है, सही है. मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम लोग ना आओ या तुम लोग आओ, या आप लोगों को लाइक यू नो, इट्स जस्ट दैट इफ़ इट्स रिटन फॉर यू, यू आर गोना कम हियर, ठीक है. लेकिन इट्स जस्ट दैट इट्स गुड, मतलब आप अगर अपना इंटरेस्ट देख लो. सबसे पहले ये कि खाली ऐसे अंधाधुंध नहीं आ जाना होता, यू हैव टू सर्च लाइक सर्च इट अप, थोड़ा बहुत देख लो कि किस डिपार्टमेंट में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, ताकि आपको पता हो कि आपके उसके इंटरेस्ट लाइन भी करते हैं कि नहीं करते. इसके अलावा हमारे इसके एडमिशन जो होते हैं ना, वो खुलते हैं लाइक इन दिसंबर का एंड और जनवरी का स्टार्ट, तो लाइक आपको बता दिया जाएगा कि कब खुल गए हैं एंड ऑल दैट. उसके अलावा जो लास्ट लाइक मेरिट था, मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा हाई था बिकॉज ऑफ द कोविड एंड एवरीथिंग. तो जैसे क्लोजिंग में DPT का 1072 था, LT का 990 से बव था, जो IT था उसका भी थाउजेंड्स में था. उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्टो थी उसमें भी थाउजेंड्स में था. क्यों? क्योंकि आपके नंबर इतने ज़्यादा आए थे, तो बच्चों ने तो थोड़ा नंबर लिए थे. और इसके अलावा ऑर्थो थोड़ा कम होता है, लेकिन 900s के शुरू में भी इस तरह आपका हो जाता है इसमें. लेकिन इस बार होपफुली मेरिट कम होगा, जैसे आपको मैंने बताया है कि सारा सीन है, तो यू कैन अप्लाई, ठीक है. फिर इसके अलावा क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ये 4 शुरू के 4 है ना, लाइक DPT के अलावा ये चारों बाकी प्रोग्राम्स जो है ना, ये हमारे BS प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है. कि इसमें 4 साल की आपने पढ़ाई करी, 4 साल आपको डिग्री मिल गई,
इसमें कोई हाउस जॉब नहीं होती है, इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप आप लोग या तो आप पढ़ाई के बीच में कर सकते हो या आप पढ़ाई के बाद कर सकते हो। प्रेफरेबली आप, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप बेशक बीच में कर लें। मैंने तो अभी तक नहीं की, मेरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन आई एम गोना डू इट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप वो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप कर लोगे अच्छी जगह पर, कहीं पर आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको आपकी कहीं जॉब मिल जाती है आराम से। ठीक है, ये 4 डिपार्टमेंट्स का सीन होता है। डीपीटी का क्या सीन होता है, डीपीटी में आपकी हाउस जॉब होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी हाउस जॉब है इधर जो होती है डीपी वालों की, इट इज़ नॉट पेड। लाइक एम बी वालों की पेड होती है, हमारी डीपी वालों की पेड नहीं होती, नॉट येट। शुरू 2 साल 1-2 साल पहले ये शुरू हुआ था कि इनकी पेड हो जाए एंड ऑल दैट, बट आई डोंट नो अभी तक उस पर कोई प्रॉपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो अभी फिलहाल इट इज़ अनपेड। ठीक है, बाकी ये है कि आप अगर आना चाहते हैं इधर तो ज़रूर आएँ, आप डिसाइड कर लें। जहाँ तक हॉस्टल्स की बात है तो RMU ना EHS वालों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं देता। ठीक है, MBBS वालों का ये सीन होता है कि उनके हॉस्टल्स होते हैं उधर, दे कैन लाइक वो 5 साल वहाँ रह सकते हैं। हमारा ये सीन होता है कि हमारा जो फर्स्ट ईयर होती है हमारी ओल्ड टीचिंग ब्लॉक में होती है, जो कि हमारे पास टीकू रोड पर है, तो उधर उसके इर्द गिर्द बहुत करीब करीब बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, तो जितने मेरे दोस्त हैं वो वहीं रहे हैं, जितने हॉस्टल लाइट फ्रेंड्स हैं, तो यू कैन ऑलवेज गेट आराम से हॉस्टल, उधर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। फिर सेकेंड ईयर से यू कम इन टू द अदर कैंपस जो कि हमारा होली फैमिली है, उसके साथ भी वॉकिंग डिस्टेंस पर हॉस्टल है, तो यू कैन ऑलवेज गेट अ रूम देयर। तो मतलब अच्छा सीन होता है, कोई ये नहीं होता कि मुश्किल हो, आपको बहुत आराम से हॉस्टल मिल जाते हैं। ठीक है, इतना ही था। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी यही कि अगर आपको इधर आना है तो आप 1000 थॉट्स रख के ना आएँ। ठीक है, जस्ट बी क्लियर कि हाँ ये चीज़ करनी है तो करनी है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना कि वहाँ जाके इधर MBBS वाले भी होंगे तो हमें कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। इट्स लिटरली ऑल अप टू यू कि आपके अपने दिमाग में क्या सोच होती है। ठीक है, आपकी खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है, वो कभी आपने खोनी नहीं होती है। ठीक है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो दुनिया में, कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, कोई भी आप फील्ड परसू कर रहे हो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आपने ये चीज़ करनी है, तो ये आपने खुद इसमें मेहनत करनी है, खुद अपना नाम बनाना होता है, क्योंकि वो आप पे होता है। ठीक है, बाकी लोगों की बातें को मिस कराना होता है, एंड जो भी आपके लिए अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है और जहाँ पे आप जाओगे ना, इट्स गना बी द बेस्ट फॉर यू, ये आपने हमेशा सोचना होता है बस, क्योंकि यही सोच के मैं यहाँ तक आई हूँ और यही सोच के हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, सब कुछ करता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी थिंग, आप आगे जो भी चूज़ करते हो, जो भी कुछ करते हो, जस्ट आई प्रे कि सब अच्छे से हो जाए, लेकिन कभी डिसहार्ट नहीं होना और सब अच्छे से हो जाता है, लाइक यू नो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड इन द एंड। सो यस, बाय बाय।